हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में जो है ओमनीवर्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं। एक बहुत ही गुड न्यूज़ आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना है। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ओमनीवर्स से रिलेटेड जो भी अपडेट है आपको सबसे पहले इस सिस्टम में मिल जाने। मैं आप सभी लोगों को बता रहा था कि ओमनीवर्स एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली है। जो लोग भी इस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए अभी मौका है, वो इस सिस्टम में ज्वाइन होकर के एक पे जो है अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि ओमनीवर्स जो है टोटली एनएफटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जो कि फ्रैक्शनल एनएफटी 1155 ईआरसी पे काम करता है और साथ ही साथ में फुल एनएफटी जो है ईआरसी 721 पे काम करता है। ठीक है, और गुड न्यूज़ ये है कि जो इसका क्वाइन है ऑलरेडी जो है बिटमार्ट में लिस्टेड था, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था और मैं फिर से दिखाऊंगा, और साथ ही साथ में MEXC एक्सचेंज पे भी लिस्ट हो चुका है, जो कि बहुत बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लगभग डेली का 500 मिलियन का वहाँ पर ट्रांजेक्शन है डेली वॉल्यूम। ठीक है, तो बहुत ही गुड न्यूज़ है और आने वाला फ्यूचर भी इसका बहुत ही काफ़ी सारे अपडेट है जो मैं आप सभी लोगों को आने वाले समय में बताऊंगा जैसे जैसे वो आएगा। तो इस वीडियो में जो है मैं उस एक्सचेंज पे लेके जाऊंगा आप सभी लोगों को और वहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि वो एक्सचेंज का रिव्यू बताऊंगा और वहाँ पे लिस्ट हुए कितना दिन हुआ है, लगभग लगभग 2 दिन हुआ है, तो वहाँ पे जो है ओमनी टोकन का प्राइस क्या चल रहा है और साथ ही साथ में किस वॉल्यूम से वहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है और हम ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, या MEXC जो एक्सचेंज है वो कितना रिलायबल है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ, ये है बिटमार्ट का अकाउंट। पहले बिटमार्ट पे मैं आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ, ये बिटमार्ट के अकाउंट पे आप देख सकते हैं ओमनी USDT का पेयर है। यहाँ पे भी देखेंगे लगभग 7 लाख डॉलर का यहाँ पे डेली वॉल्यूम है और यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है $2.39 चल रहा है। आप चाहे तो यहाँ से परचेज कर सकते हैं और बिटमार्ट भी एक अच्छा एक्सचेंज है। ठीक है, बट अब इसी के साथ में मैंने सर्च कर दिया है MEXC एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूरा उसका इंटरफेस आ जाएगा। मैंने अकाउंट लॉगिन नहीं किया है, मैं अभी आप सभी लोगों के सामने दिखाता हूँ। आप भी चाहें तो यहाँ पे आकर के लाइव सर्च कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि MEXC जो एक्सचेंज है ये फेमस है फीस के मामले में, फिर चाहे बाइनेंस हो फिर कोई भी एक्सचेंज हो, उसके मुकाबले आप देखेंगे इस पर फीस जो है फ्यूचर ट्रेडिंग एज वेल एज स्पॉट ट्रेडिंग में जो फीस है बहुत ही मिनिमम है। ठीक है, तो मैं यहाँ आता हूँ, 3 लाइन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करता हूँ। मार्केट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ओमी सर्च करता हूँ। ओमी सर्च करते ही मेरे को आप देख सकते हैं यहाँ पे ओमी USDT का पेयर है। ठीक है, ओमी USDT का पेयर है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने जो है ओमी टोकन का आ गया है और यहाँ पे देख सकते हैं 2.371 इसका प्राइस चल रहा है। तो ये ऑलरेडी MEXC एक्सचेंज पे लिस्ट हो चुका है और MEXC एक्सचेंज के बारे में भी मैं रिव्यू करूँगा इसका, क्या कि ये एक्सचेंज कैसा है, रिलायबल है कि नहीं। और यहाँ पे ओमनी टोकन का सारा डिटेल देख सकते हैं, 24 घंटे में प्राइस क्या गया, लो क्या रहा और वॉल्यूम क्या है। अगर आप ओमी टोकन का वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पे 61,000 ओमी में जो है डेली वॉल्यूम है 24 घंटे में और USDT में देखेंगे $1,48,000 का यहाँ पे लिक्विडिटी है। साथ ही साथ में आप यहाँ पे ऑर्डर बुक में आकर देख सकते हैं, लगातार यहाँ पे ट्रेडिंग चल रही है, वॉल्यूम देख सकते हैं ओमी टोकन का और USDT का, यहाँ पे सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो यही सबसे बड़ा न्यूज़ है और यही एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट भी बनाता है इस सिस्टम को लेने के लिए कि ओमनीवर्स में हम लोग एक इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, फॉर फ्यूचर। और अगर कोई पर्सन को लगता है कि इस प्लेटफॉर्म में नहीं करना चाहिए तो वो क्या कर सकता है, एक्सचेंज पे जाकर के बाई कर सकता है और उसको होल्ड कर सकता है। अगर वो 6-8 महीने के लिए होल्ड करता है तो कहीं ना कहीं उसको बहुत ही अच्छा इसका प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा और एक अच्छा बेनिफिट उसको देखने को मिलेगा। तो मैं टोकन इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया ERC721 और ERC1155। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप आकर के देख सकते हैं और वहीं पे चलता हूँ मैं। ये मैं आ गया हूँ क्वाइन गिगोगो पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी एक्सचेंजेस उसके रिव्यू मिल सकता है और वहाँ पे उसकी रेटिंग भी मिल सकती है और रैंक और ट्रस्ट स्कोर। तो सबसे टॉप पे आपको पता है बाइनेंस चल रहा है, क्वाइन बेस है, फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे बाईबिट है और MEXC एक्सचेंज जो है 10वें नंबर पोजिशन पर है और इस पर भी अगर आप देखेंगे तो अवेलेबल है और लगभग 500 मिलियन का डेली ट्रांजेक्शन है। ठीक, विजिटिंग जो है इसमें 7.991 मिलियन का है बट डेली ट्रांजेक्शन वॉल्यूम जो है 500 मिलियन का। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा रिलायबल ये प्लेटफॉर्म है। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि ये बोलते हैं हम एक्सचेंज पे लिस्ट होंगे या नहीं होंगे, हमारा इस महीने में हो जाएगा, अगले महीने में हो जाएगा, बट ओमनीवर्स जो है आपको पहले ही ये ऑप्शन देता है कि हम लोग ऑलरेडी लिस्ट होते हैं, उसके बाद जो है आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो MEXC एक्सचेंज पर मैंने आपको दिखा दिया, ये ऑलरेडी लिस्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं 500 मिलियन का यहाँ पर डेली 24 घंटे में ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है, 1600 क्वाइन है इसमें लगभग और 1900 पेयर्स के
साथ में अवेलेबल है, जिसमें बिटकॉइन, इथेरियम, XRP सारे लगभग बहुत सारे कॉइन इसमें अवेलेबल है। बट इसमें क्या है कि P2P नहीं है और ये टोटली USDT पे काम करता है, तो आप यहाँ पे आकर के देख सकते हैं। इसका खुद MX कॉइन करके, जो कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी लिस्टेड भी है, जिसको आप आकर के चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का पर्पस यही है कि प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही ज़बरदस्त है और यहाँ से जो है हम लोग एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करेंगे तो हम लोग अच्छा खासा यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। अदरवाइज़ अदर प्लेटफॉर्म की तरह हम लोग फिर से ट्रैप होंगे और कहीं ना कहीं हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क में जाएगा और कहीं ना कहीं हम नुकसान करेंगे। तो अभी एक इनिशियल टाइम है, यहाँ पे अगर आकर के अगर हम कॉइन को भी एक्सचेंज से बाई करके होल्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं बेनिफिट में है, बट प्लेटफॉर्म में अगर एंट्री मार करके, इन्वेस्टमेंट करके या लीडरशिप क्वालिटी दिखा करते हैं तो वहाँ से भी हमको एक बेनिफिट है, साथ ही साथ में हम स्टैकिंग से भी यहाँ पे एक अच्छा बेनिफिट बना सकते हैं। तो डिसीजन आपका है, मेरा काम था आप सभी लोगों को रिव्यू देना। MEXC एक्सचेंज पर भी लिस्ट है, ऑलरेडी बिटमार्ट पर भी लिस्ट है और आने वाले समय में और भी एक्सचेंजेस पर धीरे धीरे लिस्ट होता रहेगा, जिसका आपको अपडेट मिलेगा। साथ ही साथ में नवंबर के मंथ में इसका खुद का एक गेम लॉन्च हो रहा है जिसमें NFT यूज़ होगी और वहाँ से भी हमको एक अच्छा लगभग 40% का रेवेन्यू हम सभी लोगों को मिलने वाला है। तो यहाँ से जो है एक बहुत ही बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, एक अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ को अगर हम टाइम पे नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं हम रिस्क में जाएंगे और रिस्क के साथ में हमारा रिवॉर्ड जो है उतना ही मिनिमाइज होता जाएगा। तो टाइम अभी है एक्शन लेने का एज ए लीडरशिप और एज ए इन्वेस्टर। बाकी मैंने जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, जहाँ से मेरा जो है 1 लाख का पे आउट जो है डेली बेसिस मंथली बेसिस पे मेरा स्टार्ट हो गया है। तो अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी मेरे पास 4 ओमनी है और आने वाले फ्राइडे में जो है यहाँ पे मेरे पास कम से कम $300 से लेकर के $400 का मेरे पास ओमनी टोकन यहाँ पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस अपॉर्चुनिटीज़ को लिया है और मैं एज ए लीडरशिप पे काम कर रहा हूँ, एज ए इन्वेस्टर बन के काम कर रहा हूँ, तो यहाँ से पैसा बनाने का बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आप भी एक्शन लीजिए, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल मिल जाएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और डिस्क्रिप्शन में जो है सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, प्लान प्रेजेंटेशन से लेकर के कॉन्टैक्ट नंबर तक और कैसे ज्वाइन करना है वो सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय।